बस भी कर दे प्लीज उठे ना बाबा, अब आप प्लीज उठ जा। आपके भाई ने आपको नॉमिनेट किया है, उन्हें शक है कि सरदार साहब के अटैक में आप इन्वॉल्व हैं। वो झूठ बोलता है, बकवास करता है। वो झूठ और सच का फैसला यहां नहीं हो सकता। FIR है आपके पास, वारंट है इसका? बेहतर यही है कि बाकी बातें वहीं जाकर की जाएं। लाला, लाला आप जाकर ले आए उसे। कोई नहीं जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हो फैज? क्यों इस हाल में अपने बाप को तकलीफ पहुंचा रहे हो? इस हाल में मेरे बाप को उसी ने पहुंचाया, उसी ने दुश्मन के निशाने पर रखा है मेरे बाप को। है, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। ऑपरेशन भी खैरियत से हो गया। बस ये लोग कह रहे हैं कि अगले 12 घंटे इनके लिए क्रिटिकल है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। मुर्तजा साहब को पैसे चाहिए थे दूसरी पेशी से पहले। हो जाएगी, मिल जाएगी उसे। अम्मी की ग्रेजुटी जैसी मिलेगी मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। अगर केस की फीस ना देनी होती तो क्या करती हैं पैसों का? तब तो मुझे इन पैसों की जरूरत ही ना पड़ती शायद। बल्कि अम्मी के साथ एक प्लान किया था मैंने। क्या? कि मैं उनकी शादी करवा दूंगी धूमधाम से। क्या जाहिर है, मेरे बगैर वो अकेली क्या करती? अब इन पैसों से धूमधाम से तुम अपनी शादी करना। नहीं, पहले मैं आपका कर्जा लौटाऊंगी। मुझे कर्ज में पैसे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए आप? जैसे इस केस का फैसला हो जाता है तो मुझे सरदार साहब कहना छोड़ दें। क्या
क्या क्या बुलाऊं आप? मैं तुम्हें बच्चे कह के बुलाता हूं, तो तुम्हें क्या कह के बुलाना चाहिए मुझे? प्रॉमिस करती हूँ अब आपको तंग नहीं करूंगी। प्लीज ना। आपकी हर बात मानूंगी। प्लीज बस भी कर दे, प्लीज उठे ना। बाबा प्लीज उठ जाए, प्लीज उठ जाए बाबा उठ जाए। निकलो यहां से, दफा हो जाओ, गेट आउट। कल गुम करो अपने, चलो जस्ट गो। मेरे बाप को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है, बोलो बोलो। हाँ कुछ पता चला? हाँ शक है या पक्का है? ठीक है ठीक है, सब्र करो। हाँ कुछ नहीं करना, सबको आराम से बिठाओ और उनसे सबसे कहो कि खान जी के लिए दुआ करें कि वो होश में आ जाए, फिर बाद में सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो क्या पता चला? पता कर रहे हैं।
दादा मुझे क्या लोगों की फातिहा पढ़ने के लिए दस्तार पहनाई थी? देखो बच्चे, दुश्मन की मौत से ज्यादा खानजी की जिंदगी जरूरी है। खानजी आंख खोल ले तो दुश्मन की आंख आप में मिला देंगे। हाँ, लेकिन किया किसने है? अभी पक्का नहीं है, पक जाए तो बता देंगे। सबर करो, हौसला करो। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर रियाज। कुछ खाने के लिए लाता हूँ। नहीं, प्लीज स्टे। तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे थे? मुर्तजा के पास। हमारा केस विथड्रॉ करने के लिए। और मैं उन्हें सिफारिश के तौर पर साथ ले जा रही थी। कितनी मनहूस हूं ना मैं, मेरी किस्मत में रिश्ते लिखे ही नहीं है। ऐसा नहीं कहता, आपको हमारे साथ चलना। क्यों? आपके भाई ने आपको नॉमिनेट किया है, उन्हें शक है कि सरदार साहब के अटैक में आप इन्वॉल्व हैं। वो झूठ बोलता है, बकवास करता है। झूठ और सच का फैसला यहाँ नहीं हो सकता। एफआईआर है आपके पास? वारंट है इसका? बेहतर यही है कि बाकी बातें वहीं जाकर की जाए। देखिए आप जानते नहीं, मैं लॉयर हूँ। आप चले वरना मुझे आपके साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा। वर्दी पहन के बदमाशी कर रहे हैं। सर मैं बदमाशी ही तो नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, वरना है आपके लिए बेहतर है कि आप ठंडे रहें। चलिए मैम। देखिए मैं आपको यार, मैंने आपको कहा है ना आप जाके तशरीफ रखें। ये मैं आपसे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, आप बात को बढ़ा रहे हैं। यार मैंने तुम्हें कहा है ना जाके अपनी बेगम के पास बैठो। सर आप वाकई में मुझसे बदमाशी कर रहे हैं। हाँ मैं बदमाशी कर रहा हूँ, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? तो ठीक है फिर मैं आपको जाके दिखाता हूँ। सर खड़ो इधर, अरेस्ट करो उसे, अंदर जाओ। क्यों ऐसा कर रहे हो फैज? क्यों इस हाल में अपने बाप को तकलीफ पहुंचा रहे हो? इस हाल में मेरे बाप को उसी ने पहुंचाया, उसी ने दुश्मन के निशाने पर रखा है मेरे बाप को।
उसने नहीं रखा है बच्चे, अपने बाप को इस हाल तक पहुंचाने वाले तुम हो। सरकार में मुदाखलत का केस बनाएंगे तुम पर, मुझे डरा रहे थे, जैसे मुझे पता ही नहीं है कार्य सरकार में मुदाखलत क्या होती है। ना ही एफआईआर काटी है, ना ही कोई पर्चा, फजूल में यहां बिठा के रखा हुआ है उस कुत्ते के कहने पर। एक दिन ऐसा घसीटूंगा ना, शायद जिंदगी याद रखेंगे ये। मैंने बोल दिया कि अगर ये इन्वॉल्व है तो इसके साथ साथ मैं भी इन्वॉल्व हूं, मैं भी शामिल हूं इस कत्ल के साजिश में, मेरा भी नाम लिखे इस पर्चे के ऊपर। ओह माय गॉड, शट अप फरजाद, शट अप। तुम्हें इतना हीरो बनने का क्यों शौक है? मैं तुम्हें भिजवा रही थी कि जाके मेरे अब्बा की खबर लो कि वो कैसे हैं, और तुम यहाँ खड़े होके मुझे वकालत पे लेक्चर दे रहे हो। निशा, मैं तुम्हें यहाँ कैसे आने देता यार? तुम हमेशा हमेशा वही करते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है, कभी तुमने वो नहीं किया जो मैं चाहती हूँ। और अकेली तो मैं रह गई ना, तुम मेरे साथ हो लेकिन मैं फिर भी अकेली। मेरे ऊपर अंदर पर्चा कट रहा है अपने बाप के कत्ल का, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र है कि मेरा बाप इस वक्त किस हालत में है। कौन बताएगा मुझे वो, कौन बताएगा? खान जी, सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है वकील होने के नाते मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन आई एम सो सॉरी, प्लीज। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, बंदा जज्बाती है। सर बस आप तशरीफ़ रखें, मैं कौन सा आप पे केस बना रहा हूँ? हाँ सर, अगर केस नहीं है तो फिर मैं जा सकता हूँ? नहीं, इसकी आपको परमिशन नहीं है। सर जब कोई केस ही नहीं तो आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी बीवी अकेली है। डजंट मैटर, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार मैंने आपको कहा है ना, आप जाके तशरीफ रखिए। कि मैं आपसे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, आप बात को बढ़ा रहे हैं। यार मैंने तुम्हें कहा है ना, जाके अपनी बेगम के पास बैठो। सर आप वाकई मुझसे बदमाशी कर रहे हैं। हाँ मैं बदमाशी कर रहा हूँ, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? तो ठीक है, फिर मैं आपको जाके दिखाता हूँ। इधर खड़ो, इधर आओ, अरेस्ट करो उसे, अंदर जाओ।
निशा कहाँ है लाला? वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? जाकर लेकर आए उसे। क्यों? हां जी बुला रहे हैं। हां जी को होश आ गया? पता नहीं लाला, वो होश में है या बेहोशी में, लेकिन निशा के अलावा ना कुछ सुन रहे हैं ना बोल रहे हैं। आप मुंह क्या देख रहे हैं मेरा? जाकर निशा को लेकर आए। वो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कत्ल के इल्जाम में इसने उसे थाने में बंद करवा दिया है। आप चलें, बाबू को देख के आते हैं। तुम्हारे बाबा भी कहेंगे कि जाकर निशा को लेकर आओ। आप चले तो सही, देखते हैं उनको क्या हुआ। मैंने कहा ना जाकर निशा को लेकर आओ। पूछता हूँ बाबा से कि वो निशा को प्यार से बुला रहे हैं या खार से। जिस तरह भी बुला रहे हैं, तुम जाकर लेकर आओ निशा को। हाँ ले आता हूँ उसे। गोलियों से तो बच गए थे बाबा, वो आके यहाँ उनका गला घोंट दे। लाला, लाला आप जाकर ले आए उसे। कोई नहीं जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हो फैज? क्यों इस हाल में अपने बाप को तकलीफ पहुंचा रहे हो? इस हाल में मेरे बाप को उसी ने पहुंचाया, उसी ने दुश्मन के निशाने पर रखा है मेरे बाप को। उसने नहीं रखा है बच्चे, अपने बाप को इस हाल तक पहुंचाने वाले तुम हो। तुम्हारे बाप की मुखबरी तुम्हारे उन दोस्तों ने की है जिनके पास तुम नशे में जाकर बाप के बारे में रोते थे। जरीन खान के बंदों ने फायरिंग की है तुम्हारे बाबा पे। वो खान जी कहां है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सारी मुखबरी तुम्हारे दोस्त दिलावर खान ने की, जिसकी बहन के इश्क में तुम उसके घर के चक्कर लगाते हो। मुझे दो दिन पहले पता चल गया था, मैंने खान जी को भी खबरदार किया था, मगर खान जी ज़रीन खान जैसे चूहों को किसी खातर में नहीं लाते, इसी वजह से तो मार खा गए। और तुमसे मैंने ये बात इसलिए छुपाए रखी है कि कहीं तुम कोई ऐसी घटिया हरकत न कर बैठो जैसी कि तुमने निशा के साथ किए। वो शहर की गलियों में हराम पैसों से पलने वाले अमीरजादों के साथ बैठ बैठ कर तुम्हारे सामने चीजों के मानी ही बदल गए। तुम्हें पता है गैरत का न बेगैरती का, दोस्ती का न दुश्मनी का, मोहब्बत का न नफरत का। खड़े क्यों हो? जाओ जाकर पूछो अपने बाप से कि किसको प्यार से बुला रहे हैं और किसको खार से। सर मैंने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उनकी हिफाजत की वजह से उठा कर लाया। सर मुझे सारी बात का इल्म है। असल मामला क्या, सरदार साहब का बेटा बहुत गुस्से में था, इन्हें नुकसान ही पहुंचा सकता था। सर उनके साथ साथ आपके बेटे ने शोर शराबा डाला और कहने लगा मैं उनके साथ शामिल हूँ। सर मेरे इर्द गिर्द उसके बंदे मौजूद थे और सब कुछ सुन रहे थे। सर इसका वहां रहना खतरनाक हो सकता था, इसलिए इसको भी उठाकर साथ लिया। न
ना ही अभी तक कोई पर्चा काटा है और ना ही कोई एफआईआर लिखी है। सर आप हुक्म करें, जो आपके लिए बेहतर हो वही मेरे लिए। सर मेरा ख्याल है कि सरदार साहब को होश में आने दें, मेरा अंदाजा है तभी इनका बेटा भी होश में आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो, बाबा बुला रहे हैं। तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज दोबारा सुनने के लिए भेजा है। अच्छा, मुझे चलना चाहिए, देर भी हो रही है। सी यू इन कोर्ट। साहब आप दोनों को चैम्बर में बुला रहे हैं। सर आपको नहीं, दोनों मियां बीवी को। कैसे हैं? ठीक है, काफी बेहतर है, होश आ गया, खतरे से बाहर है। गुड।
पर जाना। अच्छा, मुझे चलना चाहिए, देर भी हो रही है। सी यू इन कोर्ट। साहब आप दोनों को चैम्बर में बुला रहे हैं। सर आपको नहीं, दोनों मियां बीवी को। बाकी का सामान कहाँ? पैस लेके था, उसने गाड़ी रखी है। इधर नहीं है। फरजाद पे कुरान पाक का साया दे दिया है, अब तुम आओ। फिर कब आओगी? तुम्हारे बाबा की सेहत के बाद, तुम्हारे जाने के बाद एकदम मुरझा से जाते हैं। वैसे तुम्हारा आना जितना इन्होंने एंजॉय किया शायद ही किसी ने किया। क्यों, आपने एंजॉय नहीं किया? अगले महीने फैज की बात पक्की होगी। आ जा, आ जा। तब तो आओगी ना? भाई फरजाद, इधर आ जाओ। इसको फटाफट पकड़ो भाई। बड़ा बदमाश हो गया है। मुझ पे गया है। बड़ा कुछ दिन और नहीं रुक सकते। एक काम करो, इसे छोड़ जाओ मेरे पास। सोच ले, मुझसे ज्यादा तंग करेगा आपको? अरे तुमसे ज्यादा प्यारा नहीं है ये मुझे। Go.
एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।